उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग जो है वो सब दिख रही होगी। अगर तो सब सीन ओके चल रहा है तो प्लीज़ एक मैसेज करके जवाब दे दीजिए। जी, इस वक्त हम कौन सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे? हमारा अभी ए एस लेवल का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे थे, आई होप आपको याद होगा कि केमिस्ट्री में हम केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं और उन केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है, जो केमिकल बॉन्डिंग है, उसकी आपको डिटेल सिखाई जा रही है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसकी डिटेल सिखाई जा रही थी। मुझे प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिए ये बताने में कि आपने सबसे पहले केमिकल सब्सटेंसेस के तौर पे क्या पढ़ा है। आई थिंक आपने मेटल्स पढ़े थे एज एन एलिमेंट्स और उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी। ठीक है, मेटल्स पढ़े फिर मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद कंपाउंड्स की कैटेगरी में आपने आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ा होगा और फिर उनकी आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी और उसी में आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी। जरा लास्ट लाइन अगर बता दें तो काम जरा आसान हो जाएगा। लास्ट लाइन अगर बता दें तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आई थिंक आयनिक कंपाउंड्स की पानी में सॉल्युबिलिटी पड़ी होगी, आयनिक कंपाउंड्स की पानी में सॉल्युबिलिटी पड़ी होगी। ठीक, ओके जी, ओके ओके। और सॉल्युबिलिटी के कुछ रूल्स लिखे होंगे। ठीक, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल, नहीं, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल बेटा, एक्सेप्ट फॉर जो भी वो ग्रेट पीपल कैन नेवर शो बैक्स। खैर, हर किसी के अपने अपने जुमले थे। ओके हो गया। आयनिक कंपाउंड्स की जितनी आपको डिटेल पढ़ानी थी मुझे लगता है वो सारी डिटेल मैंने पढ़ा दी। आज मैं थर्ड नंबर के जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज मैंने आपको बताना है मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। हाँ जी, आज मैंने आपको पहले आपको मेटल्स पढ़ा दिया। देखिए, सबसे पहले आपको केमिकल सब्सटेंसेस में क्या पढ़ाया जी, हमने मेटल्स पढ़ाया, उनके अंदर आपको मेटालिक बॉन्डिंग सिखाई। ठीक है, ओके, फिर हमने आपको आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ाया, उसके अंदर हमने आपको आयोनिक बॉन्डिंग सिखाई। ठीक है, आज हम आपको क्या पढ़ाना चाहते हैं, नॉट जस्ट द कोवेलेंट कंपाउंड्स बट मैं आज आपको कोवेलेंट सब्सटेंसेस पढ़ाऊंगा। है जी, कोवेलेंट सब्सटेंसेस पढ़ाऊंगा। आज का लेक्चर हमारा कोवेलेंट, नॉट जस्ट कंपाउंड्स, कोवेलेंट सब्सटेंसेस। क्योंकि कोवेलेंट सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है, देखिए गौर से सुनिए। मेटल्स जो हैं बेसिकली, आई होप यू नो मेटल्स आर एलिमेंट्स। आयनिक सब्सटेंसेस में आयनिक जो है वो कंपाउंड्स हैं। जहाँ तक कोवेलेंट सब्सटेंसेस का ताल्लुक है, इनमें इनमें कोवेलेंट एलिमेंट्स भी आएंगे, इनमें कोवेलेंट कंपाउंड्स भी आएंगे। ठीक है, मैं उसकी डिस्कशन करूंगा अभी आपसे। कोवेलेंट सब्सटेंसेस में होता क्या है, होती तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है जी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब इसको समझने का वक्त है, कोवेलेंट सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, हम इनके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कोवेलेंट सब्सटेंसेस के लिए, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर है या मैक्रो मॉलिक्यूलर है वो तो बात की बात है। अब वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस सिंपल मॉलिक्यूलर है या वो मैक्रो मॉलिक्यूलर है वो बात की बात है, फिल वक्त बात है मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जिन मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसकी दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल बनती है मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की, यू नो एलिमेंट्स। ठीक, एलिमेंट्स भी आते हैं इस कैटेगरी में और कंपाउंड्स भी आते हैं। मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में दोनों आएंगे, कौन दोनों सर, नॉन मेटालिक
एलिमेंट्स भी आते हैं इसके अंदर, और दूसरी तरफ कोवेलेंट कंपाउंड्स वो भी आते हैं इसके अंदर। आज हमारा ये जो थर्ड नंबर है इसको प्लीज लिखना स्टार्ट कीजिए। ये ऊपर वाले दो बेशक मत लिखिए, ऊपर वाली जो दो बातें हैं ये आपने सारी लिखी हुई हैं, ये जस्ट रेफरेंस के हद तक लिखवाई गई हैं। आज आपको क्या लिखवाया जा रहा है, आज आपको ये लिखवाया जा रहा है, तो प्लीज इसी को लिखे। तो व्हाट इज कोवेलेंट सब्सटेंसेस, कोवेलेंट सब्सटेंसेस में क्या होता है सर जी, इसमें यू नो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट, इससे पहले कि मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाऊं, कोवेलेंट सब्सटेंसेस क्या चीज होती है सर, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस भी इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो है सर उनके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी उनके भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनकी अगर आप मुझे टिपिकल तरीन एग्जाम्पल पढ़ाएंगे तो मैं आपको नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की जो टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं उनमें से आपको सबसे पहले क्या सिखाने की कोशिश करूँगा, आई थिंक देर विल बी दिस H2 पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको F2 पढ़ाऊंगा, ठीक है, F2, फिर O2 पढ़ाऊंगा, फिर N2 पढ़ाऊंगा, ठीक है, यू नो F2 की जगह शायद मैं यहाँ पे आपको Cl2 भी पढ़ा दूँ, Cl2 बल्कि Br2 भी पढ़ा दूँ, बल्कि इस पूरे को आप X2 ही कह दीजिए, हैलोजन्स वाले सारे पढ़ा दूँ, ठीक है। दीज आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स में अगर आप मुझसे कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स पूछोगे तो कंपाउंड्स की कैटेगरी में मैंने आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या, सबसे बेसिक क्या पढ़ाना है, सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा HCl, ठीक है, फिर मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा यू नो H2O, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा NH3, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा CH4, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा CO2, ठीक है, फिर बल्कि एक सेकेंड, CO2 से पहले C2H6 पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको C2H4 पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर इसमें अगर मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स भी पढ़ानी हुई लाइक CO2 की एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। देखिएगा जनाब, इसी में और एग्जाम्पल्स लिख दीजिए जरा, CO2 की एक एग्जाम्पल करानी है, फिर एक और HCN इसकी एग्जाम्पल करवाऊं, ठीक है। सो इधर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यस आपको यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इसके बाद शायद आपको मैं P4 पढ़ा दूं, और इसके बाद शायद मैं आपको S8 भी पढ़ा दूं, और इसके बाद मैं आपको शायद C60 भी पढ़ा दूं, ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर्स भी शायद मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, H2, F2, O2, N2, अच्छा अब इन सब सब्सटेंसेस का मैं इन सबको कह रहा हूँ कोवेलेंट सब्सटेंसेस, है जी, इन सबको मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, और इनके अंदर मुझे आपको क्या सिखानी है ये तो आप बिल्कुल लेफ्ट पे लिख दीजिए, आपने लिख लिया होगा। मैं चलता हूँ इस बात की तरफ कि मुझे इनके अंदर क्या होता है जनाब, सर जी इनके अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्या होता है ये सिखाना है भाई, हाँ जी कोवेलेंट बॉन्डिंग सिखानी है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग सिखानी है। नाउ यू नो आई होप आप लोगों को मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को आप ओ लेवल्स में कैसे डिफाइन करते थे, है जी, कोवेलेंट बॉन्डिंग को आप कैसे डिफाइन करते थे, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय व्हाट, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स, व्हाट वाज इट, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या चीज होती है, इट इज अ बॉन्ड और अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड by what, by the mutual sharing of electrons between non-metallic, between non-metallic atoms, between similar or different non-metallic एटम्स। अगर आप इधर बेशक एलिमेंट्स की एग्जांपल्स देखें
या आप इन कंपाउंड्स की एग्जांपल देखें तो आपको इधर चाहे वो सिमिलर हैं चाहे वो डिफरेंट हैं, बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स में वो सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब वो सिमिलर होते हैं, जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए, सिमिलर और डिफरेंट। सिमिलर हो तो क्या बनता है, सिमिलर हो तो क्या बनता है सर, अगर वो एटम्स सारे के सारे सिमिलर हो, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा, और अगर वो दोनों एटम्स डिफरेंट हो, दो एटम्स डिफरेंट हो, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे इस वक्त क्या सिखाने की कोशिश करनी है, मुझे आपको ये वाला लफ्ज सिखाने की कोशिश करनी है, क्या आपने क्या कहा, इट इज अ बॉन्ड, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसे पैदा होगी, दैट इज फॉर्म्ड, इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो बेसिकली शेल्स ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है जी, क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसको अंडरलाइन करके क्लफ लिखना है, उसको अंडरलाइन करके क्लफ लिखना है कि क्या होगा, शेयरिंग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए होगा क्या, शेल्स, वेलेंस शेल्स विल ओवरलैप, वेलेंस शेल्स विल ओवरलैप, ठीक है, जब वो वेलेंस शेल, वेलेंस शेल्स जो है जब वो ओवरलैप करते हैं, जब वेलेंस शेल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, उस ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर जो शेयर्ड पेयर होता है, वेलेंस शेल्स क्या करेंगे, एक सेकंड को, सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं हमें इससे गर्ज नहीं है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये आपका ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग में क्या मौजूद है, इस ओवरलैपिंग में शेयर्ड एफ ओ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ओ ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए यहां पे ये जो वेलेंस शेल्स ओवर, वेलेंस शेल्स विल ओवरलैप करेंगे, ये जो शेयर्ड पेयर है यहां पर क्या होगा, इस जगह पर सर जी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन कौन खींचेगा, सर इसको जो है ना, इसको जो है ना यहां पर शेयर्ड पेयर को ये भी खींचेगा, यहां जो शेयर्ड पेयर होगा उसको वो भी खींचेगा, तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई, है जी, क्या होता है, विल बी से इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मिनट सबर कीजिए, एक जुमला लिख दीजिए, द शेयर्ड पेयर, अब पेयर है कि पेयर है वो तो बात की बात है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड, will be attracted by what, by, will be attracted by the shared pair of electrons, will be attracted by both the nuclei, ji bhai, jab humne kaha ki kya hoga, it is a bond formed by the mutual sharing, ek lafz aa gaya mutual sharing hogi, dusra lafz aa gaya sir shells overlap hoenge, theek hai, valence shells, shells will overlap, अच्छा जब शेल्स ओवरलैप होंगे तो एक शेयर्ड पेयर डेवलप होगा, या शेयर्ड पेयर, जब ये एक शेयर करे वो एक शेयर करे, जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक शेयर्ड पेयर डेवलप होगा, दोनों ने अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो दो शेयर्ड पेयर्स डेवलप होंगे, दोनों ने अगर तीन तीन किए तो तीन शेयर्ड पेयर्स डेवलप होंगे, जितने भी शेयर्ड पेयर या शेयर्ड पेयर्स बने, दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई, जब वो दोनों न्यूक्लियस उसको खींचेंगे तो चक्कर हुए क्या हो गया, असल में तो वो इस शेयर्ड पेयर को खींच रहे हैं, ये न्यूक्लियस उस पेयर को उधर खींच रहा है, ये न्यूक्लियस उस पेयर को उधर खींच रहा है, तो ये क्या बन गया है, हाँ जी, इन दो न्यूक्लियस, हालांकि वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को नहीं खींच रहा, ये न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर को खींच रहा है, ये न्यूक्लियस भी इस शेयर्ड पेयर को खींच रहा है, ठीक है,
तो जो शेड पेयर है वो बेसिकली एक बॉन्ड का दर्जा इख्तियार कर गया है। हमें कहा द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई हेंस डेवलपिंग अ फोर्स हेंस डेवलपिंग अ बॉन्ड द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई ठीक है विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई दिस अट्रैक्शन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is known as covalent bond. हाँ जी इसमें किसी को मसला है? The shared pair or pairs of electrons will be attracted by both the nuclei. ठीक है. This attraction is known as covalent bond. जो दो nucleus एक shared pair पे जोर लगाते हैं और मजबूरन इकट्ठे रहते हैं. देखिए अगर इस shared ये कहता है जी ये shared pair को मैंने खींचना है, वो कहता है shared pair को मैंने खींचना है, तो दोनों इस शेड पेयर को खींचने के चक्कर में क्या सीन होगा उनका? सीन ही होगा सर, जुड़े रहेंगे. ये कहेगा मेरा है, वो कहेगा मेरा है, तो बस दोनों जुड़े रहेंगे यहाँ. द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई ठीक है हेंस द कोवेलेंट बॉन्ड हेंस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म हेंस आखिरी जुमला दीजिए हेंस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म this force of attraction is known as hence this force of attraction is known as covalent bond hence kya hence this force of attraction is known as covalent bond to some extent yes iski jo nature hai nature to iski bhi electrostatic hi hai yahan pe bhi ek nucleus positively charged nucleus kya karta hai negatively charged electrons ko khinchta hai theek hai nature to और उधर वाला पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए तो नेचर ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है हमने क्या लिखा द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई डेवलपिंग हेंस फॉर्मिंग अ बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो या चार या मैक्सिमम छह या उससे भी बहुत ही कोई हद मारी तो आठ ठीक है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे ढेर सारे वो प्रोटॉन्स इन हालांकि ये न्यूक्लियस और वो न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे होंगे ये पॉजिटिव है प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करता है वो एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे हैं लेकिन ये प्लस इसकी जान इस नेगेटिव की जान नहीं छोड़ रहा ठीक है ये प्लस भी उस नेगेटिव की जान नहीं छोड़ रहा असल में ये न्यूक्लियस भी सिर्फ इस शेड पेयर को खींचना चाहता है वो न्यूक्लियस भी इस शेड पेयर को ही खींचना चाहता है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को नहीं खींच रहा पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो वाला पॉजिटिव न्यूक्लियस भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अब मुसीबत यह हो गई है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है शेयर्ड पेयर है ये इसका भी है उसका भी है इसको ये भी खींचेगा इसको वो भी खींचेगा सेल्स ओवरलैप कर गए हैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर गए हैं तो शेयरिंग के चक्कर में एक फोर्स पैदा हो गई है ठीक है और उस फोर्स को हमने क्या बोला द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज क्या दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is known as covalent bond ये लिख दीजिए क्या लिखना है मेरे पास नीचे जगह नहीं मैं यहां लिख रहा हूं this electrostatic force of attraction between what between the shared pair and the nuclei This electrostatic force of attraction between the shared pair and the nuclei is known as covalent bond. Intermolecular नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Intramolecular कह सकते हैं इसको. Intermolecular तो बहुत आगे भाई. Molecule तो पढ़ाओ. पहले molecule तो पढ़ लो, फिर intermolecular पढ़ लेना. ये पढ़ रहे हैं intramolecular force of attraction. Intra मतलब molecule के अंदर. अभी तो molecule बनेगा. अभी तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वो कोई इंटरमॉलिक्यूलर होती है अभी हम इंटरमॉलिक्यूलर नहीं पढ़ रहे
क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रा मोलिक्यूलर। हाँ इसको आप दिस इज इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज दिस कोवलेंट बॉन्डिंग एक साइड पे या पेज के हेडर पे या साइड पे, एक नोट लिखो, कोवलेंट बॉन्डिंग इज एन इंट्रा इंट्रा मोलिक्यूलर, मोलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होती है, साइड पे या पेज के हेडर पे लिखो, बल्कि टॉप पे लिखो ज्यादा बेहतर है। कोवलेंट बॉन्डिंग इज एन इंट्रा इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज नॉट वैंडर वॉल, ये इंटर मोलिक्यूलर नहीं है, वैंडर वॉल जो मैं पढ़ाऊंगा वो इंटर मोलिक्यूलर होगी। ये जो हाइड्रोजन बात की बात है फिल वक्त सिर्फ इतनी है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं, इट इज एन इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज विद इन अ मोलिक्यूल, दैट इज क्या, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन अ मोलिक्यूल। हाँ जी, यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई मसला है? नहीं, एनी क्वेश्चंस प्लीज। जी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, ओके। जब सवाल नहीं है तो यहां से अगली बात क्या है, यहां से अगली बात हमारे पास बनती है कौन सी, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। क्या बनता है भाई, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। हाँ जी, मैं वैसे तो अगले पेज पे जाके लिखना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे कहीं पे हेडिंग बना दीजिए। आपके पास तो इस तरह से जगह नहीं होगी, मेरे पास जगह है, आपके पास यहाँ जगह नहीं होगी, ठीक है, मेरे पास जगह है। चलो मैं अगले पेज पे जाता हूँ। क्या लिखवाना है जी? अच्छा, मैंने एक एग्जांपल करानी है तो मैं चाहता हूँ यहीं कराऊँ। आप नीचे लिखिए, आप नीचे नॉर्मल नोट्स में जाइए। क्या ये लो यार, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, जी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनानी है जी, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कोवलेंट बॉन्डिंग, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कोवलेंट बॉन्डिंग। 1 मिनट फॉर द प्रीवियस पेज, चलो जल्दी कर। इसी भी लिखता हूं यार, ये तो आप अगला पेज पिछला पेज बड़ा करते रहते हैं। जी अब मैं इसी पेज पर हूं। ड्रॉ एंड क्रॉस डायग्राम, सबसे पहली एग्जांपल मैं आपको क्या देना चाहता हूं बेटा, मैं सबसे पहली एग्जांपल आपको हाइड्रोजन की देना चाहता हूं। कोवलेंट सब्सटेंसेस को कहते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, मैं आपको सबसे पहली एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कराना चाहता हूं। एग्जाम्पल नंबर वन में मैंने आपको क्या पढ़ाना है, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एंड आई होप यू नो व्हाट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज H2। अब वो बच्चों की तरह कराऊं या डायरेक्ट कराऊं, ये भाई ओलवर्स की तरह डायरेक्ट कराऊं, मतलब बच्चों की तरह कराऊं कि पहले वैलेंसी चेक करो या ये करो वो करो, लेटरम पटरम शटरम है। चलो एक एग्जांपल मैं पूरी करा देता हूं, यू नो हाइड्रोजन के बारे में अगर आपको मालूम हो तो आपने पढ़ा होगा, सर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन H2 का मतलब है टू हाइड्रोजन एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड। H2 का जरा मतलब आपको बता दूं, H2 का मतलब है टू हाइड्रोजन एटम्स, टू हाइड्रोजन एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, ठीक है, आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। टू हाइड्रोजन एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म अ
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और जब दो एटम्स मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं भाई, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाँ जी सर, वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, ओके। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी पढ़ी हुई है, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी पढ़ी हुई है, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखाता हूँ क्या, मैं वो टू हाइड्रोजन एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जस्ट टेल मी वन थिंग, ये हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही कितने हैं भाई, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही कितने हैं सर, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अपना वो इलेक्ट्रॉन इधर इन्वेस्ट करेगा, वो उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जब दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, प्लीज बताएंगे आप, ये क्या फॉर्म करेंगे सर, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, व्हाट इज दिस नोन एज सर जी, दिस इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टू हाइड्रोजन एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, टू हाइड्रोजन एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये टू हाइड्रोजन एटम्स आर सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड, आर सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वजह क्या, उनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, जब उनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं सर, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, देयर वैलेंसी इज टू शेयर वन इलेक्ट्रॉन, इफ देयर वैलेंसी इज टू शेयर वन इलेक्ट्रॉन तो वन क्यों शेयर करते हैं सर, उन्होंने वो हीलियम जैसा खुद को बनाना होता है, दे गेट द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, हाँ जी, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन का जुमला मैं यहाँ ऐड करता हूँ, अ बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स टू गेट स्टेबल या फिर क्या करने के लिए, बल्कि ठीक है, वो कॉमन सेंस है जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। अब अगर मुझे लगता है सब बहुत ओल्ड लेवल है यार, बहुत बेसिक बात है, बहुत इजी पीजी है, चलो इजी भी है तो पीजी भी, ओके। अगली एग्जांपल्स की तरफ अगर मैं जाऊं, तो प्लीज देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या होंगी, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखी हुई है, हैलोजन मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल नंबर टू में पिछला पेज, एक सेकेंड, हेलो जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, सब ओ लेवल्स का चल रहा है इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड लगाना चाहता हूँ, बहुत बहुत डिटेल से आप लोगों ने अलिफ ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, ठीक है, एग्जांपल नंबर टू, व्हाट इज एग्जांपल नंबर टू, हैलोजन मॉलिक्यूल्स, हैलोजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर हैलोजन मॉलिक्यूल्स, दे आर ऑल्सो H2, वो भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो डायटॉमिक, दे आर ऑल्सो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अब इसमें H2 में कौन कौन आता है आपको अच्छे से पता है कि H2 में कौन कौन आता है सर, H2 में F2 भी आता है, इसमें Cl2 भी आता है, इसमें Br2 भी आता है, इसमें I2 भी आता है, अब हैलोजन मॉलिक्यूल्स किस ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 7 के, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी क्या वैलेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना इनकी वैलेंसी होती है, तो मुझे बताइए क्या करेंगे ये सर जी, ये भी जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ही जब इन्होंने शेयर करना है, तो ये क्या करेंगे सर, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये भी एक अच्छा, इसकी जरा वो बना दें, डॉट क्रॉस डायग्राम बना दें, जिसमें मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ ओनली द Draw only the valence shell.
एक सेकेंड रुको जी, ये आ गया। एक ये आ गया, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। कितने हैं इनके आउटर मोस्ट में? ग्रुप नंबर 7 के होते हैं। किसके हैं? ग्रुप नंबर 7 या 17 के हैं। ठीक है, तो जब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, एक ये और एक ये शेयर कर लेता है। पीछे कितने बच जाते हैं? सर इसके भी 6 बच जाते हैं। और इसके भी 6 बच जाते हैं। ठीक, यहां तक किसी को परेशानी है? अब ये X2 भी है, ये F2 भी है, ये Cl2 भी है, ये Br2 भी है, ये I2 भी है, ये Astatine-2 भी है, हैं जी? I hope हो जाना चाहिए। Next example is example number 3। Example number 3 is oxygen, oxygen molecule. Example number 3 is oxygen molecule and example number 4 is nitrogen molecule. अब अगर पुत्र मैं ये कहूं कि ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए गौर करिए जरा, ठीक है, यू नो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर O2 होता है, ये O2 होता है। अच्छा, O2 में बताइए दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान, All this is O levels. Yes, I know this is all O levels. लेकर आता हूँ A levels को भी. Don't worry, A levels को भी ले आऊँ. What is it? बताओ जी. Group number 6 में है. अगर ये group 6 में है, तो इसके इसके outer most में क्या होगा? 6 होंगे. तो 8 बनाने के लिए 2 share करेगा, तो double covalent bond होगा. Nitrogen के लिए क्या होता है? N2 होता है. Group 5 में है. तो 8 बनाने के लिए 3 शेयर करेगा, तो क्या होगा सर? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है जी? उसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जब बनाओगे तो क्या होगा, देखना जरा। हाँ जी, if I say this is O for oxygen, this is also O for oxygen, this is N, this is N, तो ये क्या करेंगे? दो दो शेयर करेंगे, एक इधर, फिर एक, फिर इधर। कितने बचेंगे? ग्रुप 6 में है, पीछे बचेंगे 4। दो शेयरिंग में चले गए, पीछे बच गए 4। इधर भी दो शेयरिंग में चले गए, पीछे बच गए कितने? सर जी 4। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, 5 में से 3 शेयर करेगा, एक, ये लो जी 3-3 शेयर कर लिए। ग्रुप 5 में था तो पीछे इसका एक पेयर इसका बच गया और एक पेयर इसका बच गया जी। हाँ जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यू हैव अ होमवर्क। व्हाट इज द होमवर्क? Explore the dot and cross diagram. And the structure and the Lewis formula for kya O3 P4, S8 and C60। ये लो जी, गूगल करोगे O3 निकलेगा, फिर P4 निकलेगा, फिर S8 निकलेगा, फिर C60 निकलेगा। ठीक है,
ये तीन ये चार एग्जांपल्स आप लोगों ने ओ लेवल्स में ड्रॉ नहीं की हुई, ये चार एग्जांपल्स आप लोगों ने ओ लेवल्स में ड्रॉ नहीं की हुई, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, ठीक है पुत्र जी। 8 बज चुके हैं, ए टू के बच्चों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है, तो एक काम करते हैं, नहीं बस अपने नोट्स की कॉपी में लिखना है, ठीक है, मुझे नहीं सेंड करना, मुझे नहीं सेंड करना, ये आपने अपनी नोट्स की कॉपी में लिखना है, ठीक है। ओ थ्री का डॉन क्रॉस डायग्राम भी, ओ थ्री का लुईस फार्मूला भी, फिर पी फोर का डॉन क्रॉस डायग्राम भी, उसका लुईस फार्मूला भी, एस एट का डॉन क्रॉस डायग्राम भी, उसका लुईस फार्मूला भी, देखते हैं क्या सीन है इसके अंदर, ठीक है। बताइएगा आपसे डॉन क्रॉस डायग्राम ड्रॉ होता है कि नहीं होता है, मुझे लगता है नहीं ड्रॉ होगा, नहीं ड्रॉ होगा, दो बड़े मुश्किल से 8 कैसे जोड़ेंगे आपस में, 8 का जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। खैर कोशिश तो कीजिए, एक्सप्लोर तो कीजिए, एक्सप्लोर तो कीजिए सीन क्या है, ठीक है। फिर कल कल इस लेक्चर पे बहस करेंगे, कल इस लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो जी, कल तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कल होगी आप लोगों से मुलाकात, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज़।